वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से? मैं इस वक्त बाहर निकला हूँ बच्चों को घुमाने फिराने, और अपना ऑफिस का मेरा सिस्टम खराब था वो रिपेयर करवाने निकला था, और इस वक्त मैं क्रॉस कर रहा हूँ यहाँ का बहुत फेमस फाउंटेन है जी जद्दा का, वो मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ जी, मैं जूस शॉप में पहुंच गया हूँ, और यहाँ पे मैं अभी आपको दिखाता हूँ फ्रूट्स जो कि डिस्प्ले में लगे हुए हैं, और ये ओरिजिनल फ्रूट्स हैं और बहुत ही मज़े का जूस इनका होता है, फ्रेश जूस, बिल्कुल फ्रेश जूस। ये देखिए, आप मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैं अभी बाहर से दिखा रहा हूँ आपको। ये देखें, और ये ओरिजिनल फ्रूट्स हैं जी। हाँ जी 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 जी, ये है जूस वर्ल्ड के नाम से है। जूस तो मज़े के हैं ही हैं, फ्रेश जूस है, बहुत मज़ा आता है पीने का, और नॉर्मल प्राइस है, इतनी महंगी भी नहीं है। स्मॉल जूस जो है वो 6 रियाल का मिल जाता है बेहतरीन, और जो शवरमा है वो भी काफ़ी सस्ता है। ये देखें जी, फ्रेश जूस मैंने 2 अनार के लिए हैं और 1 पाइनएप्पल लिया है, इनकी ऐसी पैकिंग आ रही है, और साथ में एक शवरमा लिया है बच्चों के लिए, शवरमा भी इनका अच्छा है, बाकी गाड़ी में बैठ के खाते हैं जी। मैं भी घर पहुंचा हूं, और आप देख रहे होंगे मैं इस वक्त किचन में खड़ा हूं, और भूख लग रही है तो सोचा कुछ बनाऊं। फ्रिज खोली है और अभी दिल कर रहा है अंडा शामी बर्गर बनाने का, तो चलिए ट्राई करते हैं, बनाते हैं, आपको दिखाते हैं कैसे बनता है जी। मैंने ये लिए हैं 3 बीफ कबाब है, शामी बीफ कबाब, 2 अंडे, तवा रेडी है, आग लगा दी, और अभी मैं देसी घी से इसको मैं तलूंगा। अंडे मैंने इसमें डाल लिए हैं ये, और इसको अब मैं फेंटूंगा, और फेंटने के बाद मैं ये शामी जो है इसमें डिप करके इसको तल लूंगा, ठीक है।
मैंने तल लिए, मैंने रख दिए तलने के लिए, और जब तक मैं दूसरे काम में पड़ा हूँ। अच्छा जी, कबाब तैयार हैं, गर्म है, मैंने ले लिए बन। असल में मैं लेकर आया था बड़े वाले बन लेकर आया था, लेकिन वो कल लेकर आया था, वो मैंने फंगस लग गई है, उसको खराब हो गया, तो इस वजह से अभी मैं ये राउंड ले रहा हूँ। कबाब जो मैंने किए थे ऑयल में तलने के लिए रखे हुए थे, वो बन गए हैं, और अभी मैं क्या करने वाला हूँ, अभी ये जो बन बर्गर हैं इनको मैं थोड़ा सा करूंगा गरम, और इसको मैं करता हूँ वन बाय वन गरम। मेरा असल में कभी कभी दिल करता है कुकिंग शुकिंग करने को, मैं अक्सर बर्गर वगैरह बनाता हूँ, बड़ा मजा आता है, और वैसे भी मैं हांडी वगैरह बना लेता हूँ, आपने मेरी रेसिपी देखी होगी, तो बस शौक है कभी कभी मैं जब मूड में आता हूँ तो मैं कुकिंग करना शुरू कर देता हूँ। तो अभी मेरे ये बन गर्म हो गए हैं, उसके बाद मैं क्या करता हूँ दिखाता हूँ। बन मेरे गर्म हो गए, अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें रखने वाला हूँ ये एक एक जो शामी कबाब है, इसको बेहतरीन सा कर दिया। अच्छा जी, ये लगाने के बाद, कबाब लगाने के बाद अभी मैं क्या करने वाला हूँ, अंडा। अच्छा, मैंने जो अंडा फेंटा था मैंने उसी के बीच में प्याज, टमाटर, अदरक, लाल मिर्च, नमक और चाट मसाला, ये सब मैंने मिक्स कर दिया, और इसी को ही मैं अब क्या करने वाला हूँ, देखें जरा, मैं यहाँ डालूंगा थोड़ा सा देसी घी। ठीक हो गया जी, और देसी घी डालने के बाद मैं इसमें डाल दूंगा अंडा। अंडा जब तक पकता है इसकी जरा ड्रेसिंग कर लेते हैं कबाब की। अच्छा जी, मैं सॉस तैयार करने लगा हूँ। ये केचप लिए मैंने, ये मायोनीज लिए मैंने, और ये येलो मस्टर्ड भी है। अब इसके मैं एक सॉस बनाने लगा हूँ, बहुत मजे की सॉस बनती है, वो इसके ऊपर डालता हूँ। अच्छा जी, ये रेडी है, ये सेम वही सॉस है जो आपको अलबेक में वो फिश लेते हैं, फिश नगेट्स, उसके साथ मिलती है। तो इसको मैं क्या करने वाला हूँ, इसको मैं इसके ऊपर लगाने वाला हूँ। ठीक हो गया, बहुत यमी सॉस बनी है। अच्छा, थोड़ी थोड़ी मायोनेज जो है मैं ये जो बन का दूसरा हिस्सा है इस पे लगा रहा हूं, बहुत ही मजे का बनने वाला है कुछ आज, देखें क्या बनता है। इस पे लगा के, अच्छा जी, अब मेरा दूसरी तरफ जो मैंने अंडा रखा हुआ था फ्राई करने के लिए वो भी रेडी हो गया, वो मैं लेके आ रहा हूँ, इसके ऊपर ऐसे रख दूंगा, ऐसे और ऐसे मैंने इसको रख दिया, और इसके ऊपर मैं क्या करने वाला हूँ जी, इसके ऊपर मैं चीज स्लाइस ये डालने वाला हूँ। ये तो मुझे अभी से मुंह पे पानी आने वाला, आने लग पड़ा। अच्छा जी, ये पड़ गया जी इसके ऊपर,
चीज स्लाइस और उसके ऊपर भी बढ़ गया और एक और रह गया। देखिए चीज स्लाइस डाल दिए, अभी मैं इसको करने लगा हूं कवर और लास्ट एंड फाइनल टच। लास्ट और फाइनल टच क्या है जी, इसको मैं थोड़ा सा दोबारा गर्म करने के लिए इसके ऊपर रखता हूँ। ठीक हो गया, इसको भी रखता हूँ ताकि थोड़ा फ्रेश हो जाए, गर्म हो। और ले जी बर्गर मजेदार रेडी है और मैं अब इसको खाने लगा हूं। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। और मेरा पहले ये प्लान था कि मैं इसको प्रॉपरली अपने दूसरे चैनल पे एज ए रेसिपी अपलोड करूंगा, लेकिन ये बहुत आम सी चीज़ है, बड़े आराम से बन जाती है, ईजी बन जाती है। तो मैंने कहा चलो इसको फिर मैं अपना एज अ ब्लॉग बना लेता हूँ ताकि आप लोग भी इंजॉय करें। तो वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दें चैनल को अगर आप न्यू कमर्स हैं, और कोई चीज़ आपको अच्छी लग रही है तो बताइएगा, कोई बुरी लग रही है तो भी बताइएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।